नमस्कार, प्लीज एक बार फिर से मेरी स्क्रीन पर एक्चुअली मैसेजेस और विजिबल नहीं हो रहा, मैसेजेस और थम्स अप। एक बार प्लीज आप फिर से मैसेज करेंगे कि मैं चेक कर पाऊँ कि क्या दिक्कत हुई है इसमें। सर यहाँ पर ना मैसेज आ नहीं रहे हैं, मैं अभी भी चेक कर रही हूँ। राइट टू, ओके ओके, मिल गया सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आई एम सो सॉरी, मुझे विजिबल नहीं हो रहा था, मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मैं ऑनलाइन हूँ या नहीं हूँ, इसलिए मैंने पिछली वीडियो में कैंसिल किया। तो शुरू करते हैं, एज पर अवर इंडियन ट्रेडिशन वी विल स्टार्ट अवर सेशन विद अ प्रेयर। तो लेट्स जॉइन मी, काइंडली सिट एट योर रिस्पेक्टिव प्लेसेस वेरी कंफर्टेबली। इफ यू वुड लाइक टू जॉइन विद मी, काइंडली क्लोज योर आईज एज वेल। नाउ टेक अ डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट, लंबा गहरा श्वास भर जाएं, निकाल जाए, लंबा गहरा श्वास भर जाए, निकाल जाए, एक बार फिर से लंबा गहरा श्वास भर जाए और निकाल जाए। 3 बार ओम का जाप के पहले एक लंबा श्वास भरेंगे, श्वास भरिएगा आप सभी भी। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में मिलाइएगा। प्लीज काइंडली जॉइन द पाम्स ऑफ योर हैंड टुगेदर, रब देम, उनको हल्का सा रगड़ लें, कप की तरह बनाते हुए अपनी आंखों पर ढकिएगा। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए हाथ वापस ले आए। सो आई वेलकम यू ऑल इन दिस सेशन, लाइव सेशन ऑफ साइंस बिहाइंड प्राणायाम। उससे पहले मैं नरेश योगी जी से, नरेश योग गुरु जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगी, उनके चैनल को बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगी कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया यहाँ पर आप सभी से रूबरू लाइव होने के लिए। थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी, और आप सभी का मैं वेलकम करती हूँ आज के सेशन में, जो कि है साइंस ऑफ प्राणायाम। प्राणायाम के पीछे की साइंस क्या है? सो बिफोर स्टार्टिंग द साइंस ऑफ प्राणायाम, आई विल गोइंग टू टेल यू द आर्ट ऑफ प्राणायाम, बिकॉज फ्रॉम द आर्ट वी विल गेट द साइंस ऑफ प्राणायाम। जो साइंस है प्राणायाम के पीछे, जो छुपा हुआ साइंस है, वो है उसकी आर्ट में ही छिपा हुआ। तो सबसे पहले तो हम उसकी आर्ट की
बात करेंगे और वहीं से हमें पता चलेंगे सारे गूढ़ रहस्य कि प्राणायाम इतने ज्यादा इफेक्टिव क्यों है, उनके इतने ज्यादा बेनिफिट्स क्यों है, हर कोई हर प्रैक्टिस के साथ प्राणायाम को जोड़ने के लिए क्यों कहता है, उनका हमारी बॉडी पे, हमारी लाइफ पे, हमारे माइंड पे क्या इफेक्ट है, आज के सेशन में हम ये जानेंगे। तो शुरू करते हैं साइंस ऑफ प्राणायाम। बिफोर लेट अस टेक फर्स्ट द वर्ड प्राणायाम। इट इज अ संस्कृत वर्ड, एवरीवन नोस कि एक संस्कृत वर्ड है, तो दैट मींस वी कैन डिवाइड इट इन टू पार्ट्स। फर्स्ट वन इज प्राणा एंड सेकंड वन इज आयाम। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राणा, प्राणा का मतलब क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरीबडी कोरोलेट इट विद जस्ट सिंपली विद ऑक्सीजन, कि प्राणायाम क्या है, हम ऑक्सीजन को लेते हैं छोड़ते हैं, यही प्राणायाम है, और ऑक्सीजन इज अवर प्राण। दैट इज टिपिक पर्टिकुलरली रॉन्ग स्टेटमेंट। ऑक्सीजन को हम प्राणायाम प्राण की उपाधि नहीं दे सकते, क्योंकि जो ऑक्सीजन है दैट इज अ ग्रॉस फॉर्म एंड प्राणा इज द सटल फॉर्म। सो प्राण क्या है, दैट इज द सटल फॉर्म ऑफ ब्रेथ। जो हम श्वास प्रश्वास करते हैं उसकी एक बहुत सूक्ष्म अभिव्यक्ति जो है वो है प्राण। नाउ व्हाट इज ब्रेथ, श्वास क्या है, श्वास इज द प्रोसेस, ब्रेथ इज द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन, रिटेंशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर, दैट इज ब्रेथ। नाउ कम्स आयाम। What is the meaning of आयाम? आयाम का मतलब क्या है? आयाम का typically मतलब है lengthening, controlling, modulating, channelizing of our breath. This is a definition given by great, great, great Maharishi Patanjali in Patanjali Yog Sutra, that is तस्मिन् क्षति श्वास प्रश्वास गति विच्छेद इस प्राणायाम। तस्मिन् क्षति श्वास प्रश्वास, श्वास और प्रश्वास यानी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की गति को जब हम रोक देते हैं, कंट्रोल कर देते हैं, लंबा कर देते हैं, अपने हिसाब से चलाने लग जाते हैं, उसी को प्राणायाम कहते हैं, उस प्रोसेस को प्राणायाम कहते हैं। ये जो डेफिनेशन है हमारे ग्रेट महर्षि पतंजलि के द्वारा दी गई है, और ये हर जगह अप्लाई होती है, चाहे हम हठ योग प्रदीप का उठा लें, चाहे हम घरेलू संहिता उठा लें, चाहे हम कोई भी शास्त्र उठाएं योग का, ये डेफिनेशन पूरी तरह से एप्लीकेबल तब भी थी और आज के मॉडर्न युग में भी ये पूरी तरह से अप्लाइड है। सो दैट मीन्स अवर प्राणायामा इज अ प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन एंड रिटेंशन थ्रू विच वी आर कंट्रोलिंग अवर ब्रेथ, वी आर कंट्रोलिंग अवर माइंड through the process of pranayama. Now I had included mind also here. अब हमारे प्राणों के जरिए हम अपने माइंड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके लिए हमारे संहिताओं में लिखा है, हठ योग प्रदीप का भी लिखा है, चले वाते चले चित्ते निश्चलम निश्चले भवे। यानी जैसे हमारे प्राण ऐसे ऐसे अगर वेवरिंग चलेंगे तो हमारा माइंड जो है वो भी ऐसे ही वेवरिंग रहेगा, और जिस क्षण हमने अपने प्राण को कंट्रोल कर लिया, उसे शांत कर लिया, हमारा माइंड जो है, हमारी प्रक्रियाएं जो है वो भी शांत हो जाएंगी। और जिस समय ये हमारे श्वास बहुत तेजी से चलेंगे, बहुत अस्त व्यस्त हो जाएंगे, हमारा माइंड जो है वो भी अस्त व्यस्त हो जाएगा। एंड दिस प्रोसेस वेरी इंटरेस्टिंगली वेरी ब्यूटीफुली गोज वाइज वर्सा। दैट मीन्स अगर हमने डायरेक्टली अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया तो वो हमारे श्वासों को कंट्रोल कर लेगा। इससे पहले मैंने कहा था अगर हम अपने श्वासों को कंट्रोल करेंगे तो हमारा माइंड कंट्रोल होएगा। अब मैंने इसी का उल्टा कर दिया कि अगर हम डायरेक्टली अपने माइंड को कंट्रोल करेंगे तो हमारे प्राणायाम भी, हमारे प्राण भी अपने आप डायरेक्टली कंट्रोल में आ जाएंगे। तो एक ये छोटी सी थ्योरी मैंने बताई। अब प्राण बहुत तरह के हैं, ये बहुत सूक्ष्म है, जो साइंस आज तक देख नहीं पाया किसी भी माइक्रोस्कोपिक लेवल के साथ। सूक्ष्म है, 10 है जिनमें से 5 मेन है, प्राण अपान व्यान उदान समान, ये 5 मेन है। इनकी अपनी अपनी एक जगह है जहां पर ये रहते हैं,
सर्कुलेट होते हैं पूरी बॉडी में। सर्कुलेशन इनका अपना अपना एक है, जैसे प्राण का क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से इसका डायरेक्टली लिंक्ड है। यही कारण है हमारे श्वासों का भीतर आने का। हमारे श्वास भीतर कैसे आते हैं, साइंस कहता है ग्रेविटेशनल फोर्स है, बट हमारी योगिक साइंस कहती है हमारे प्राणों की शक्ति के द्वारा ही हम ब्रेथ को भीतर ले पाते हैं। देन कम्स हमारी नेक्स्ट वायु, अपान वायु। उसका प्लेस हमारा ये नीचे का है, नाभि से नीचे का, जिसका काम है कि एक्सक्रीटरी प्रोसेस करना। प्लस हमारा जो एक्सपीरेशन ऑफ ब्रेथ, जो श्वास के बाहर निकलने की प्रोसेस है, वो अपान प्राण के द्वारा होती है। तो इट्स वेरी ब्यूटीफुल अगर हम इन्हें ध्यान से देखें, हमारे डाइजेशन से लेके हर चीज में हमारे प्राण हमारी हेल्प करते हैं। ऑक्सीजन तो हमारा ब्लड कैरी करता है पूरे ब्लड पूरी बॉडी में। एक आपको बहुत लाइवली एग्जांपल देना चाहूंगी, अगर ऑक्सीजन हमारे प्राण होते, हमारी जीवनी शक्ति होते, तो इसका मतलब हम सभी, जब तक ये दुनिया है तब तक हम सभी जिंदा रहते। बिकॉज वी कैन कंज्यूम आर्टिफिशियल ऑक्सीजन वी हैव अवेलेबल, वी आर गेटिंग नाउअडेज आर्टिफिशियल ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ गैस सिलेंडर्स एंड ऑल। तो हम कभी मरते ही नहीं अगर ऑक्सीजन हमारे जीवन का कारण होती, बट ऐसा नहीं है। इसीलिए जब हमारे प्राण निकल जाते हैं, एक सिंपल सी लाइन हम लोग बोलते हैं, हमारे सुनने में भी आती है कि उस व्यक्ति के प्राण निकल गए, दैट मीन्स दैट पर्सन इज नो मोर एट ऑल, ही और शी इज डेड। तो प्राण जो है वो बहुत सूक्ष्म है, बहुत ज्यादा सूक्ष्म है, उनपे काम करना बहुत जरूरी है। और जब हम उनपे काम करना शुरू कर देते हैं तो अपने आप हमारे बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस, हमारी फिजियोलॉजी के डिफरेंट फंक्शंस जो है उनको कंट्रोल भी कर पाते हैं हम, और सही से चैनलाइज भी कर पाते हैं। तो अब हम आते हैं इसी आर्ट के साथ कि जैसे हमारे प्राण यहाँ पे, अपान यहाँ पे है, समान हमारे इधर है, उदान यहाँ पर है, व्यान यहाँ पर है। तो हम इन्हीं के साथ अब हम देखेंगे कि फिजियोलॉजी क्या है जब हम प्राणायाम करते हैं, कि हाउ इट वर्क्स इनसाइड अवर बॉडी, कि किस तरह से ये हमारी बॉडी के अंदर काम करता है जिससे हम मैक्सिमम बेनिफिट उठा पाते हैं प्राणायाम के जरिए। अदरवाइज ब्रीदिंग प्रोसेस तो जब तक हम जिंदा है चल ही रहा है, लेकिन प्राणायाम से ही क्यों हमें ज्यादा फायदा होता है, राइट? जब हम प्राणायाम करते हैं, नॉस्ट्रल के जरिए श्वास नेजल पैसेज से होता हुआ, ट्रैकिया से होता हुआ हमारे लंग्स में ब्रोंकियल्स के जरिए एल्वियोलाई तक पहुंच जाता है। लास्ट तक पहुंचने के बाद जो सेल मेम्ब्रेन होती है, लंग मेम्ब्रेन है, वहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। हमने ऑक्सीजन ली विथ सम मोर गैसेस, हमने ऑक्सीजन को अंदर इनहेल यानी श्वास भरा, और वो बिल्कुल लास्ट लेवल पर जाकर वहां पे ब्लड के साथ कांटेक्ट में आके ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज ऑफ गैस होता है। ब्लड सारी इंप्योरिटीज ब्रेथ के जरिए यानी कार्बन डाइऑक्साइड एंड सम मोर गैसेस के जरिए एक्सहेलेशन के जरिए बाहर निकल जाती है, और जो हम इनहेलेशन के जरिए हमने ऑक्सीजन ली, गुड गैस ली जो हमारे लिए अच्छी है, वो सारी की सारी ब्लड में चली जाती है। This is the procedure, this is the mechanism of breath through which we get maximum benefit. Now comes कि हम इससे और ज्यादा फायदा क्यों होता है? Simple, अगर हम regulation of breath करें, उससे कम फायदा क्यों होता है? ऐसा इसलिए है जब हम retention करते हैं, retention यानी कुंभक लगाते हैं, उस समय हम maximum, ज्यादा से ज्यादा देर तक हमने कुंभक लगा दिया, नीचे से भी लगा दिया मूल बंद, ऊपर से लगा दिया जालंधर बंद, अभी ये सब मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको थोड़ी देर में। उतनी देर में श्वास का मंथन हुआ अंदर हमारे लंग्स के अंदर, जितनी ज्यादा देर वो अंदर रहा उतनी देर एक्सचेंज ऑफ गैसेस का प्रोसेस ज्यादा देर चलता रहा, उसके कारण हमारे ब्लड प्योरिफिकेशन की प्रोसेस ज्यादा बढ़ गई। ये इसका एक बेनिफिट हुआ। सेकंड बेनिफिट ये है, जब हम रिटेंशन करते हैं यानी कुंभक लगाते हैं, उस समय क्या होता है दोस्तों, उस समय हम एक प्रेशर क्रिएट करते हैं, क्योंकि अंदर आपने वायु, अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें, हमने अंदर वायु को इकट्ठा किया,
अब जब वो वायु अंदर है, हमने ऊपर से भी लॉक लगा दिया, नीचे से भी लॉक लगा दिया, वो कहीं नहीं जा पा रही, वो अंदर ही अंदर ऊपर नीचे मंथन कर रही है, उस समय में ये एक बहुत नेचुरल साइंस है कि वो एक प्रेशर क्रिएट करती है। और वो प्रेशर जो है ये हमारी स्पिरिचुअल जर्नी में भी बहुत हेल्पफुल होता है। यही से मैं स्पिरिचुअलिज्म को जोड़ रही हूँ, आप ध्यान से इसलिए सुनिएगा। जब हमारे श्वासों का मंथन होता है उस समय में हमारे जो चक्रास हैं उन पे इफेक्ट आता है। चक्रास कहाँ पर हैं? मैं आज आपको जो एक्सप्लेन कर रही हूँ ये बहुत बड़ी एक साइंस है, योग के पीछे यौगिक साइंस है। अगर किसी को अगर ये ढंग से समझ आ जाए वो अपने जीवन को बदल सकता है। जितने भी हमारे चक्रास हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के ऊपर, साइंटिफिकली अगर हम बात करें जहां पे हमारे ग्लैंड्स हैं वहां पर एग्जिस्ट करते हैं, एग्जैक्टली वही लोकेशन है। तो जब ये श्वास को हमने अंदर रोक रखा होता है, हमारी कुंडलिनी जागृत होने के संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ जाती हैं, क्योंकि वो जो प्रेशर है वो सोई हुई कुंडलिनी को जगाने में हेल्प करता है। और इसीलिए दोस्तों यही एक मेजर रीजन है कि हमें प्राणायाम से बहुत 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 अधिक फायदा मिलता है। और शास्त्रों में भी ऐसा लिखा हुआ है, आप कुछ ना करें, कोई आसन ना करें, कोई षटकर्म की क्रिया ना करें, कोई फिजिकल प्रैक्टिस ना करें, यू डायरेक्टली गो विद द प्राणायाम एंड यू विल गेट मैक्सिमम बेनिफिट, 100% बेनिफिट फॉर एनी डिजीज, फॉर एनी प्रॉब्लम, फॉर एनी हेल्थ एनहांसमेंट। आप किसी भी तरह से अगर अपने आप को फायदा पहुंचा चाहते हैं, आप कोई प्रैक्टिस नहीं कर पाते, आप प्राणायाम को पूरी तरह से अपने जीवन में उतारें, आपको मिरेकल्स मिलेंगे, मिरेकुलस रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप उसे रोज करते हैं, एक पर्टिकुलर डाइट के साथ करते हैं, डाइट के साथ साथ एक लंबी अवधि के लिए करते हैं, ड्यूरेशन जो है ऐसा ना हो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, नो, कम से कम आधे 45 मिनट से 1 घंटे तो करें। शास्त्रों में इसका व्याख्यान किया गया है, 3 घंटे 48 मिनट हमें रोजाना प्राणायाम 3 बार करना चाहिए। आई नो इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल फॉर टूडेज एरा, बट हम इतना तो कर सकते हैं। 1 घंटे का समय अगर कोई भी इंसान फिजिकल प्रैक्टिसेस नहीं कर पा रहा है, वो सिर्फ प्राणायाम से अपनी जिंदगी को सच में यकीन मानिए बदल सकता है। मैं 1 घंटे का प्राणायाम करती थी, अभी थोड़ा कुछ समय से कम हो चुका है, पिछले 1 साल से। अदरवाइज जब मैं ऑफिस गोइंग होती थी, आफ्टरनून में टाइम मिलता था, आपने ब्रेकफास्ट किया होता था, लंच से पहले आपके पास टाइम होता था, या किसी दिन लंच जल्दी कर लिया, आप 3 घंटे बाद कर सकते थे। एक एक घंटा प्राणायाम, उसके उसके रिजल्ट ही अलग हैं। आप करके देखिए, जब आप करेंगे तब आपको पता चलेगा कि इसके फायदे क्या हैं। तो ये इसके पीछे की साइंस हुई जो कि निकल के आई इटसेल्फ फ्रॉम इट्स आर्ट ऑफ डूइंग, जो उसकी करने की कला है उसी में से इसकी साइंस निकल के आई। आई होप आप सभी को क्लियर होगा बहुत अच्छे से कि प्राणायाम करना क्यों जरूरी है। अब हम आते हैं कुछ प्रैक्टिसेस पे। प्राणायाम, प्राणायाम जो है दैट इज अ सटल फॉर्म, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, सूक्ष्म है। बाय गेटिंग टू द टू बाय रीचिंग द प्राणा, हम प्राणा तक पहुंच कर अपने सूक्ष्म शरीर को छू सकते हैं। और जिस दिन हम अपने सूक्ष्म शरीर को छूना शुरू कर देंगे, उस पर इफेक्ट डालना शुरू कर देंगे, वहीं से हमारे जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। और ये वही सूक्ष्म शरीर है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे चक्रास की बात की, ग्लैंड्स की बात की। तो अब हम लेते हैं दोस्तों कुछ प्रैक्टिसेस को, कुछ डिजीजेस से रिलेट करके लेंगे, और कुछ नॉर्मल हम ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस, सॉरी ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस नहीं, हम प्राणायाम लेंगे। तो सबसे पहला प्राणायाम, जिसको अष्टकुंभक से भी अलग रखा गया, ऊपर की श्रेणी दी गई है, वो है नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसको आप सभी अनुलोम विलोम के नाम से जानते हैं। दोस्तों यहां पर मैं बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहूंगी, अनुलोम विलोम एक ब्रीदिंग टेक्निक है, प्रैक्टिस है ओनली, वो प्राणायाम नहीं है, क्योंकि उसमें रिटेंशन ऑफ ब्रेथ नहीं होता। इसीलिए आप उसको करेंगे आपको फायदा मिलेगा, बहुत फायदा मिलेगा। ना करने से अच्छा है आप उतना तो कम से कम कर पाए, समथिंग इज बेटर देन नथिंग वाली अगर हम फिलोसफी को लें, आप एटलीस्ट अनुलोम विलोम करेंगे, उससे आपको कुछ फायदा तो जरूर होगा।
लेकिन जब आप नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे हमारे शरीर में, दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं 72,864 नाड़ियां हैं योगिक साइंस के अकॉर्डिंग। साइंस कहता है 72,000 नाड़ीज आर देयर इन अवर बॉडी। अभी भी वो इस पे वर्क कर रहा है कि नाड़ीज हैं या नहीं है, तो है तो क्या है, लेकिन हमारा योग साइंस कहता है कि वी डू हैव 72,872 नाड़ियां, सॉरी गड़बड़ कर दी मैंने समझ गए ना आप लोग, इतनी सारी नाड़ियां, कितनी हजारों नाड़ियां एक इस बॉडी के अंदर, हमारे अंदर इतने सारे चैनलाइजेशन है, तो उसको इतनी हजारों नाड़ियों को कंट्रोल करने के लिए मात्र एक प्राणायाम अपने आप में कंप्लीट है। उसका नाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम। अगर हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं, हम अपने पूरी बॉडी की प्योरिफिकेशन मात्र इस प्राणायाम से कर सकते हैं। जिन लोगों ने मेरे पहले सेशंस लिए हैं या जो लोग मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं, वो सब बहुत अच्छे से इस बात को जानते हैं। मैं प्राणायाम को बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करती हूँ ड्यूरिंग माय क्लासेस। इवन मैंने ओबेसिटी की क्लास में भी, कि वजन को कम करने के लिए भी प्राणायाम को ही सबसे पहले रिकमेंडेशन दी है फिजिकल प्रैक्टिसेस करने से पहले। अगर जो लोग नहीं कर पाते, वो प्राणायाम को अपनाएं और अपने जीवन में एक बहुत सुंदर बदलाव लेके आए। तो शुरू करते हैं सबसे पहली प्रैक्टिस जिसका नाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम। आई होप आप सभी मेरे साथ करना चाहेंगे, करेंगे, आपको अच्छा लगेगा और आप सीख भी पूरी तरह से पाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल अगर आप उसका ले लेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, साथ के साथ ले लेंगे, बाद में कोई वीडियो रिपीट करके नहीं देखता है ना। तो इस टाइम को जो आप अपना टाइम एक स्पेंड कर रहे हैं सेशन को देखते हुए, इसको पूरी तरह से यूटिलाइज करें। आप जहां पर बैठे हैं वहां बैठ जाएं। बस एक चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, कि आपकी कमर जो है, आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। जो लोग मैं जैसे बैठी हूँ वैसे नहीं बैठ पाते, अपनी चेयर पर बैठिए, कमर को पीछे उसकी बैक से लगाकर बिल्कुल उसको सीधा रखिएगा, ऐसे मत बैठिएगा, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी। क्योंकि आप जिस पल इस तरह से बैठेंगे, जो चैनलाइजेशन ऑफ ब्रेथ है, जो चैनलाइजेशन ऑफ प्राण है, वो वहीं पर हॉल्ट लगा देंगे, हो ही नहीं पाएगा, राइट? तो इसलिए जरूरी है आपकी कमर सीधी होना, बहुत जरूरी है। इसीलिए कहीं ना कहीं अगर हम पातंजलि योग सूत्र को भी देखें, आसनों को प्राणायाम से पहले की उपाधि मिली है, क्योंकि प्राणायाम करने के लिए हमें एक प्रॉपर पोस्चर होना बहुत जरूरी है। मैंने इस समय पद्मासन लगाया हुआ है। पद्मासन इसलिए लगाया है क्योंकि ये मेरी बॉडी को प्राणायाम करते हुए होल्ड करके रखता है। बिकॉज व्हेन वी रिटेन द ब्रेथ इनसाइड अवर लंग्स, अवर बॉडी गेट्स शेकन, स्टार्ट शेकन, उसमें एक हल्का सा रिदम सा आ जाता है, हम कंट्रोल नहीं कर पाते बॉडी को। इसलिए अगर हो सके तो किसी ध्यानात्मक आसन में बैठना शुरू करें, और उसके लिए अगेन फिर आ जाता है वी मस्ट हैव टू परफॉर्म प्रैक्टिस रेगुलरली आसना, एटलीस्ट सम पर्टिकुलर पोस्चर्स। वी कैन ऑल्टरनेट इट विद वॉकिंग ऑल्सो, कि हम वॉकिंग करके अपना वेट रिड्यूस करें। बहुत सारे तरीके हैं, आप किसी भी तरह से करके हो सके तो पद्मासन लगाना शुरू करें, इसको अपने जीवन में उतारें। नहीं तो आप इस तरह से अर्ध पद्मासन में भी बैठेंगे तो भी आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि ये भी आपकी बॉडी को पकड़ के थोड़ा सा रखने में हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट पोस्चर आप कर सकते हैं इसके लिए वज्रासन, देख लीजिए एक बार, दोनों पैरों के दिख रहे हैं, ये आई होप नहीं दिख रहा, दोनों पैरों के अंगूठे जो है इस तरह से क्रॉस होंगे, फिर उसके बाद हम इस पर बैठ जाएंगे, सिर्फ अंगूठे क्रॉस होंगे, कमर सीधी रहेगी इसमें, हाँ, हाथों को हम अपनी गोद में रखेंगे और आंखें बंद करके हम इसमें भी बैठ सकते हैं। इसमें भी क्या होता है, हमारी जो बॉडी है, नीचे की बॉडी जो है, जो शेक करती है, बाद में हम उसको स्टेबल कर लेते हैं। और सबसे अच्छा पोस्चर इसमें प्राणायाम करने के लिए पद्मासन ही है, अगर आप इसमें बैठे। नहीं तो हाँ, वन मोर, जो किसी में भी नहीं बैठ सकते, वो सिंपल सुखासन, यानी आलती पालती जिसे हम कहते हैं आम भाषा में, इसको सुखासन कहते हैं योगिक लैंग्वेज में, आप इसमें भी बैठ सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स।
हमारा पहला प्राणायाम जिसका नाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम, वेरी इंपॉर्टेंट प्राणायाम। शायद मेरे हर सेशन में, मैंने कोई भी सेशन लिया होगा उसमें कभी नहीं मैं चूकती इस प्राणायाम को बताने में। आप इसको कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कीजिए, अपने जीवन में इसको अपनाइए, रोज कीजिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो स्टार्ट करते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, नाड़ी हमारे शरीर के भीतर के सूक्ष्म चैनल जो है, शोधन मींस उनकी क्लियरिंग करता है, उनकी क्लींजिंग करता है। प्राणायाम अभी आपको बताया, हम अपने प्राणों का आयाम करते हैं, उन्हें कंट्रोल करते हैं, उन्हें चैनलाइज करते हैं, उन्हें रेगुलेट करते हैं थ्रू अ पर्टिकुलर प्रोसेस। अब वो प्रोसेस हम अब सीखने जा रहे हैं, तो मेरे साथ बनिएगा जरूर, आप सभी ध्यान से सुनिएगा और साथ में करिएगा भी। तो शुरू करते हैं दोस्तों। इसमें हम सबसे पहले तो मुद्रा बनाएंगे। आप सिंपल अपने अंगूठे और इंडेक्स फिंगर को भी यूज कर सकते हैं इस तरह से, और जो लोग अच्छे से कर पाए वो इन दोनों फिंगर्स को फोल्ड कर लें, लिटल फिंगर, रिंग फिंगर प्लस थंब, इसका इस्तेमाल करते हुए हम आगे की प्राणायाम की प्रोसेस करेंगे। नाड़ी शोधन प्राणायाम हमेशा लेफ्ट से ही शुरू होगा और लेफ्ट से ही एंड अप होगा, ये इसकी खासियत रहेगी। प्लीज इस चीज को नोट डाउन कर लीजिएगा, राइट से ना ही ये शुरू होगा ना ही ये वाइंड अप होगा, हमेशा लेफ्ट से शुरू होगा और लेफ्ट से ही खत्म होगा। मैं हाथ ऊपर करके आप लोगों को दिखा रही हूँ जिससे आपको विजिबल हो, अदरवाइज आप लोग हाथ ऐसे ही रखिएगा नॉर्मल, ठीक है। हम अपने राइट नॉस्ट्रिल को थंब से प्रेस करेंगे, लेफ्ट से सांस को पहले बाहर निकालेंगे मैक्सिमम, फिर लेफ्ट से भरेंगे सांस, बंद किया दोनों फिंगर से, गर्दन नीचे झुकाए, नीचे से हमने थाइस को स्क्वीज करके मूल बंध लगाया। कुछ समय रोकने के बाद गर्दन सीधी की और अपने राइट नॉस्ट्रिल से बाहर निकाल दिया। अब राइट नॉस्ट्रिल से ही भरा, बंद किया, आगे की तरफ झुकाया यानी कुंभक लगाया, रिटेंशन ऑफ ब्रेथ, गर्दन फिर से सीधी की और अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल से बाहर निकाल दिया। ये इसका एक राउंड हुआ। इसको करने की रेशो दोस्तों आपने जरूर मेंटेन करनी है, जो भी इसको करना चाहे नाड़ी शोधन प्राणायाम को या किसी भी प्राणायाम को, उसमें स्टार्टिंग में इनिशियली जो आपने रेशो रखनी है वो रखनी है 1:1:1। That means कि अगर आप 10 की गिनती पे श्वास भर रहे हैं तो 10 की गिनती पे आप उसको रोक के रखेंगे और 10 की गिनती पे ही आप उसको बाहर निकालेंगे। सिंपल, आपने बहुत ज्यादा फोर्स नहीं करना है शुरू में, बिल्कुल भी फोर्स नहीं करना है श्वास को भरने में या रोकने में या फिर बाहर निकालने की प्रोसेस में। शुरू में आप इतना कीजिए, उसके बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली रिटेंशन भी और इनहेलेशन के टाइम को आप बढ़ाएंगे प्लस एक्सहेलेशन के टाइम को भी बढ़ाएंगे। फिर भी मैं आपको रेशो बता देती हूँ, जिनको नहीं पता है तब रेशो रहेगी, जब हमें लंबा समय हो जाएगा करते हुए तब रेशो रहेगी 1:2:1, 1:2:1। फिर ग्रेजुअली जब हम करते जाएंगे, आप किसी के अंदर ही कीजिएगा, लेकिन इस तरह से आपने रेशो बढ़ानी है। जिसकी फाइनल रेशो है वो मैं अब आपको बता रही हूँ, अभी मैं बार बार बोल रही हूँ, इसको आपने स्टार्टिंग में नहीं करना है 1:4:2, ये इसकी फाइनल रेशो है जो हमें करना होता है, यहाँ तक पहुंचना होता है। और जब हम इस तरह से अभ्यास करते हैं हमारे पूरे इंटरनल ऑर्गन्स पे, इंटरनल सिस्टम्स पे, हमारी सटल बॉडी लेवल तक, सटल बॉडी ये ग्रॉस बॉडी है, सटल लेवल तक, सूक्ष्म शरीर तक हमारे जो हम ये प्राणायाम करते हैं उसका इफेक्ट जाता है, उसका रिजल्ट जाता है, उसका बेनिफिट हमें फिर मिल पाता है। तो शुरू करते हैं, हम 3 राउंड करेंगे। थोड़ा सा बता दूं, ये जालंधर बंद है। जालंधर बंद कैसे लगता है, जिनको सर्वाइकल है वो ठुड्डी आगे ना झुकाइएगा, और जिनको सर्वाइकल नहीं है वो सभी गर्दन को आगे झुकाते हुए चिन को, ये कॉलर बोन्स है इनके बीच में यहाँ पर टच कर देंगे, आपका ये ब्लॉक हो गया।
मूल बंध लगाने के लिए सिंपल प्रोसेस बताऊंगी। पद्मासन जिनका लगता है वो बहुत फटाफट फटाफट कर लेंगे। थाई मसल्स को, रेक्टम मसल्स को, अपनी बटक मसल्स को यू स्क्वीज कर दीजिए। इंटरनल फोर्स लगाते हुए उसको स्क्वीज करेंगे, अपने आप श्वास वहां पे आपका लॉक लग जाएगा। इनर मसल्स जो है वो भी आपकी स्क्वीज अपने आप हो जाएंगी जैसे ही आप आउटर लेयर को स्क्वीज करेंगे, राइट। तो हमने इन दोनों लॉक्स को लगाकर श्वास को अंदर रोकना है। कितनी रेशो में रोकना? अगर 5 सेकंड में हमने श्वास भरा तो 5 सेकंड ही अंदर रोकेंगे और 5 सेकंड में ही बाहर निकालेंगे। फिर भी दोस्तों अगर आपको इतनी देर रोकने में दिक्कत लगे तो आप ना रोकें, 2 सेकंड्स रोकें, फिर उसको बाहर निकाल दें, राइट। जिनको बीपी हाई रहता है, यहाँ पर ये जरूरी है बताना, वो अगर नहीं रोक पाते हैं शुरू में तो प्लीज आप रिटेंशन ना करें, आप बस इनहेलेशन करें और एक्सहेलेशन करें। प्लस बहुत जरूरी बात है कि जिनको बीपी हाई रहता है, जो हाइपरटेंशन के पेशेंट्स हैं, प्लीज इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, आप किसी के अंडर करें, किसी से प्रॉपर सामने सामने बैठकर सीख के करें। और ये किसी के कोई भी नहीं होगा, एक एक्सपर्ट होगा, योगा एक्सपर्ट होगा। प्लीज आजकल बहुत ज्यादा ये चल रहा है, हर किसी को योग आता है, मेरी रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, एक अच्छे योग गुरु से कीजिए जिसने प्रॉपर क्वालिफिकेशन ली हो, जिसको प्रॉपर एक्सपीरियंस हो। एक्सपीरियंस कोई बात नहीं, समय के साथ आता है, लेकिन जिसने प्रॉपर क्वालिफिकेशन ली होगी वो आपको सही गाइड करेगा। ये मेरी आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है, क्योंकि आजकल हर कोई ये दावा कर देता है हमें योग आता है, हमको सब कुछ आता है, हमें पूरा योग आता है, इस तरह की स्टेटमेंट्स मिलेगी। प्लीज इन सब चीजों में ना फंसे, किसी अच्छे योग शिक्षक से ही सीखेगा। जैसा कि अभी मैं चैनल पे भी कर रही हूँ, योग गुरु नरेश जी बहुत सालों से करवा रहे हैं, इनको बहुत अच्छा ज्ञान है योग के बारे में, आप इनसे सीख सकते हैं, जो लोग इनसे जुड़े हुए हैं, इसीलिए मैंने सिर्फ सर का नाम लिया है, आप सर से कर सकते हैं। तो अब शुरू करते हैं हमारी प्रैक्टिस। एक बार हम 3 राउंड करेंगे, लगातार करेंगे, मैं बीच बीच में बताती जाऊंगी। तो हाथ की मुद्रा बनाए, राइट नॉस्ट्रिल को बंद करें, राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर दीजिएगा, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से पहले श्वास बाहर निकाल दें। अब इस लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास भरें अपनी कैपेसिटी से, इसको बंद करें फिंगर्स के द्वारा फटाफट। आपने पहले मूल बंद आपका फटाफट लग जाएगा, तुरंत आपने गर्दन नीचे कर दिया, जितनी देर हो सके आप होल्ड करके रखिएगा, ना रोक पाए इमीडिएटली बाद आपने ऊपर करना है और राइट नॉस्ट्रिल से आप श्वास को बाहर निकाल देंगे। अब इस राइट नॉस्ट्रिल से ही श्वास को भरिएगा, बंद करें, इमीडिएटली बाद आपने नीचे से मूल बंद लगाना है, ऊपर से ज्यादातर बंद लगाना है, गर्दन सीधी करेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास को बाहर निकालेंगे और ज्यादा से ज्यादा बाहर निकालेंगे, पेट को ज्यादा से ज्यादा अंदर खींच लेंगे कि मानो आपकी नाभि पीछे आपकी रीढ़ की हड्डी से छू रही हो, इतना अंदर खींचेंगे। और यही हमारा 3रा बंद हो जाता है जिसका नाम है उद्यान बंद। यही हमारा 3रा बंद है दोस्तों। जब हम इस तरह से करेंगे, आप मेरा कहना मान के, बहुत अपने एक्सपीरियंस के साथ, पिछले 15 साल के एक्सपीरियंस के साथ आपको बता रही हूँ, आप इसको कीजिए। 10 राउंड ही आप करेंगे ना, आप देखना आपके कान के अंदर एकदम से ऐसे कुछ खुलेगा, आपको यहां से कुछ खुलता हुआ महसूस होगा, आपको अंदर से ना कुछ एकदम से, जैसे कुछ ब्लॉक्स लगे हुए हैं वो एकदम से खुलते हुए महसूस होंगे। सबसे जल्दी खुलता हुआ जो महसूस होता है वो हमारे कानों के अंदर हमें होता है। आप करके देखिए और मजा, आपको मजा आएगा, आपको छोड़ने का मन नहीं करेगा। जो मैं घंटा घंटा प्राणायाम करती थी उसका कारण ही है, मजा आता था, क्योंकि वी बिकम इंटरनलाइज टू अवर सेल्फ, हम अपनी सेल्फ के बहुत पास होने लग जाते हैं जब हम इस प्रकार से प्राणायाम करते हैं। साइड की जो बाहर की एक्सटर्नल वर्ल्ड की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी अपने आप सॉल्व होती हैं, आपके काम अपने आप बनने लगते हैं क्योंकि आप इंटरनलाइज होते हैं। इसीलिए प्राणायाम करते करते हम प्रत्याहार की स्टेज में पहुंच जाते हैं। इसीलिए प्राणायाम करते करते हम धारणा की स्टेज पे पहुंच जाते हैं।
एक प्राणायाम बीच में है, हम प्रत्याहार और धारणा तक पहुंच के अपने लक्ष्य ध्यान की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। इसलिए भी अगर हम स्पिरिचुअली बात करें, प्राणायाम अपने आप में बहुत 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 महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके लिए जरूरी है हम इसको प्रैक्टिस करें, इसका अभ्यास करें, रेगुलर करें, एक लंबे ड्यूरेशन तक करें। सिर्फ 10 मिनट 15 मिनट से बात नहीं बनेगी, बिल्कुल नहीं बनेगी। तो नाड़ी शोधन के जो मैंने आपको फायदे बताए, इसके साथ साथ नाड़ी शोधन जो बीपी हाई जिनको रहता है वो विदाउट रिटेंशन करेंगे, उनको बहुत फायदा होगा अगर वो रेगुलर इसका अभ्यास करते हैं। साथ ही साथ इसका फायदा हर बीमारी में हम कर सकते हैं, हर बीमारी में, कोई इस दुनिया की बीमारी नहीं है, बट द पर्सन शुड बी एबल टू डू दैट प्रैक्टिस। उसका नाम अनुलोम विलोम है, आप लेटे लेटे भी पेशेंट को करा सकते हैं। अगर कुछ अगर व्यूअर्स ऐसे हैं जो नहीं बैठ के कर पाते तो आप लेट के कर सकते हैं। लेट के ऑटोमेटिकली हमारी कमर एक तो सीधी हो जाती है, आप हाथ, बस आपको हाथ उठाना होगा, आप इसको कर सकते हैं, राइट। इसको आप फ्रेश एयर में करेंगे, बहुत बढ़िया। ना कर पाए अपने घर में, अपने बेडरूम में करें, लेकिन करें। ऑक्सीजन, देखिए ऐसा, ये कुछ मिथ्स मैं सुनती हूँ प्राणायाम के बारे में, जब हम प्राणायाम करते हैं तो हम बहुत सारी ऑक्सीजन अंदर ले जाते हैं। नहीं प्लीज, दैट इज क्वाइट फनी। बॉडी के अंदर जितनी ऑक्सीजन जानी है उतनी ही जाएगी, वो नॉर्मल ब्रीदिंग से भी जाती है, बट द रीजन बिहाइंड द मैक्सिमम बेनिफिट वी गेट फ्रॉम प्राणायाम, बिकॉज लाइक आई एक्सप्लेन यू इन द इनिशियल ऑफ दिस सेशन, इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस सेशन, कि प्राणायाम करने से हम अपने सटल बॉडी पे इफेक्ट डाल पाते हैं, क्योंकि प्राणायाम अपने आप में सटल है, सूक्ष्म है। अपने श्वासों के जरिए हम अपने सूक्ष्म शरीर तक पहुंच पाते हैं, अपने सूक्ष्म शरीर पर इफेक्ट डाल पाते हैं, उसको चैनलाइज कर पाते हैं, इसलिए प्राणायाम का हमें रिजल्ट ज्यादा मिलता है इन कंपैरिजन टू अवर नॉर्मल ब्रीदिंग जो हमारी पूरे दिन रात चलती रहती है। दूसरा प्राणायाम का फायदा, बहुत सारे ऑलरेडी बता चुकी हूँ लेकिन मुझे लगता है ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। दोस्तों हम आप कमेंट बॉक्स में बताना, अगर कोई बताना चाहे, हम 1 मिनट में कितने श्वास प्रश्वास करते हैं। लेट मी सी, किसी का रिप्लाई आता है तो मैं देखती हूँ, हम 1 मिनट में कितने श्वास प्रश्वास करते हैं। कोई बताना चाहे तो प्लीज जरूर बताइएगा। कोई बताना चाहेगा? वेरी गुड। 1 मिनट में हम कितने श्वास प्रश्वास करते हैं? चल कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। 1 मिनट में हम नॉर्मल एवरेज ले लेते हैं 15 to 18। वेरी गुड अशोक सेठी जी, बिल्कुल करेक्ट है आपका आंसर। 15 to 18 एक एवरेज ले लेते हैं, ठीक है। एक नॉर्मल, एक हेल्दी पर्सन की जो हमारी श्वास होती है 1 मिनट के अंदर 15 से 18 16, मतलब कि इस तरह से रहती है। लेकिन जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमारे एक राउंड में 1 मिनट हो जाता है। अगर आप मेरे, मतलब कि जैसे मैं अभ्यास करती हूँ, मैं उसकी बात करूं तो 1 मिनट में मेरा एक श्वास ही, मतलब 2 श्वास हो जाते हैं। एक राउंड किया ना तो सिर्फ पूरे 1 मिनट में सिर्फ 2 श्वास किए मैंने, और कहां मेरे नॉर्मल इस समय जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ 15 से 16 या 17 18 होते हैं। तो चलो हम 15 मान के चलते हैं, और प्राणायाम के दौरान मैंने 2 श्वास प्रश्वास किए, दैट मीन्स अपने मैंने कितने श्वास बचा लिए, सेव किए। मैंने पूरे के पूरे 13 श्वासों को सेव कर लिया, पूरे 13 श्वास को। और यही अगर मैंने 1 घंटा किया, 13 को 60 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो मैंने कितने सारे 1000 से ज्यादा अपने श्वासों को क्या कर लिया, सेव कर लिया। है या नहीं दोस्तों? किया ना अपने में, सॉरी 1000 मैंने ज्यादा बोल दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, कैलकुलेट नहीं कर पाई, लेकिन मैंने कितने सारे अराउंड 100 से ज्यादा मैंने अपने श्वासों को सेव करके रख लिया। तो देखिए हमारे प्राणायाम से हमें कितना फायदा होता है। हम अपने श्वासों को सिक्योर करके अपने अंदर रख लेते हैं, अपनी सटल लेवल तक यानी अपने सूक्ष्म शरीर तक पहुंच पाते हैं, जिसके कारण हम अपनी उम्र को बढ़ा पाते हैं।
और यही कारण है दोस्तों कि हमारे जो ऋषि मुनि हैं वो सालों साल सोइयों साल धरती पर रहते भी हैं और अपनी साधना करते हैं परमात्मा से मिलन की, जो कि ध्येय है योग का। सेल्फ रियलाइजेशन कैवल्य कह लीजिए आप उसे, मुक्ति कह लीजिए, लिबरेशन कह लीजिए, आप किसी भी नाम से उसको पुकार सकते हैं। योगी जन इसी प्राणायाम के अभ्यास से अपनी श्वासों को, अपने प्राणों को बचा कर रखते हैं और सालों हजारों साल तक साधना करके उस परमात्मा से मिलन की राह में लगे रहते हैं। तो यही का बिल्कुल सही जी, 780। थैंक यू शिवम जी, आपने कैलकुलेट करके बताया। ठीक है, तो इसलिए भी हमें प्राणायाम करना है, इससे हम अपनी लाइफ को सिक्योर करते हैं, हम अपनी उम्र को बढ़ाते हैं। एक नॉर्मल एवरेज एज पहले थी 100, अब उससे भी कम हो गई है, एवरेज एज 70, 80, 75 हो गई है। तो हम अपनी एज को बढ़ा सकते हैं प्राणायाम के जरिए। तो पहला प्राणायाम जो हमने डिस्कस किया वो था नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो हम क्या अब क्वेश्चन आंसर ले लें? आई गेस बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। मुझे दो तीन लोग थम्स अप देके या प्लीज कमेंट बॉक्स में एक बार बता दीजिए कि हम कुछ क्वेश्चन आंसर लें या और प्राणायाम में डिस्कस करूं। जैसा आप कहेंगे वही चीज लेंगे। तो क्वेश्चन आंसर ले, बिल्कुल जी अशोक जी, श्वासों की जमा पूंजी बिल्कुल बनती है हमारी। 16 से 20 भी होते हैं जिनको देखिए शिवम जी ने कहा है 16 से 20 श्वास, 20 भी कईयों के होते हैं, एक 25 भी आया है अशोक सेठी जी का रिप्लाई में। होते हैं जिनको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होती है, जिनको हाई बीपी रहता है, जिनको गुस्सा बहुत आता है। आप एक गुस्से वाले इंसान को देखिए, उनको नॉर्मली कुछ समय के बाद इस तरह की प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाता है। उसके पीछे कारण भी यही है, उनके श्वासों को वो बहुत जल्दी से इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत जल्दी से, फ्रिक्वेंट यूज है उनके श्वासों का। इसलिए भी देखिए कोई भी बीमारी हो, मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, जब इंसान परेशान होता है उसके लिए इन चीजों पे अमल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए गुरु का महत्व है, वो हमें आगे बढ़ा पाते हैं, वो हमें गाइड कर पाते हैं, हमारे अंदर एक मोटिवेशन। वैसे तो मोटिवेशन हमेशा सेल्फ मोटिवेशन होता है, लेकिन फिर भी हमें कोई अच्छा गुरु मिल जाता है, वो हमें मोटिवेट कर पाता है कि प्लीज कीजिए, आपकी उम्र बढ़ेगी, आप अपने श्वासों पर कंट्रोल कर पाएंगे, आपके ऊपर दवाइयों का असर भी दोस्तों बहुत अच्छे से होने लगेगा। यकीन मानिए, ऐसा नहीं कह रहे हम योगी लोग कि आप दवाइयां छोड़ दें, अपनी अपने ट्रीटमेंट्स छोड़ दें। जो भी आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, चाहे वो नेचुरोपैथिक है, चाहे वो आयुर्वेदिक है, चाहे वो एलोपैथिक है, जो भी आपका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, आप उसको कंटिन्यू रखते हुए साथ में प्राणायाम को जरूर ऐड कीजिए। ये इतना पावरफुल है, इतना मिराकुलस है, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। क्वेश्चन आंसर्स बाद में लिए जाए। ओके ओके, ठीक है ठीक है। एक्चुअली मैं क्वेश्चन आंसर्स के जरिए भी ना पूरी बात और अच्छे से बता पाती, इसलिए कहती कोई बात नहीं, मैं और बताती हूँ। बंद लगाने के लिए पहले जालंधर बंद में मूल बंद लगाएं। आपने शायद, राहुल जी आप पहले सेशन तो सुनते मेरे को अपनी बात, तो मैंने उसमें बताया ना, पहले मूल बंद लगेगा उसके बाद जालंधर बंद लगेगा। इसीलिए कहती हूँ, पहले देखिए कोई भी हम सेशन अटेंड करते हैं या किसी से भी जानकारी ले रहे होते हैं ना, हमें एक श्रोता अच्छा होना बहुत जरूरी है। चलिए फिर हम आगे इसी को कंटिन्यू करते हैं। दो तीन लोगों ने कहा है कि प्राणायाम को पहले बताएं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्राणायाम है जो मैं आज आप सबसे शेयर करूंगी, वेरी इंपॉर्टेंट प्राणायाम, जिसको आप करेंगे आप अपना वेट कंट्रोल कर पाएंगे, आप अपनी थायराइड से निजात पा पाएंगे, आप अपने जीवन को बदल पाएंगे, एक ऐसा और प्राणायाम। लेकिन उसकी प्रैक्टिस समाज में बहुत कम होती है। उस प्राणायाम का नाम है उज्जयी प्राणायाम। नॉर्मली बहुत कम करते हैं लोग, ये एक ऐसा प्राणायाम है। लेकिन जिनको टॉन्सिल्स होते हैं, जिनको कफ रहता है, जिनको, और आज के समय में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए दोस्तों, आज के समय में जो रेस्पिरेशन
उच्चैः प्राणायाम करें। उच्चैः प्राणायाम से हम अपने थायराइड को कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे वो हाइपरथायरॉइडिज्म है या हाइपोथायरॉइडिज्म है। उच्चैः प्राणायाम से हम अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिलेटेड हर प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं, और इसको साथ में करना चाहिए। इंडिविजुअली आप करेंगे, देखिए थोड़ा सा लेट रिजल्ट हो सकता है, लेकिन आप अपने साथ में जो भी मेडिकेशन ले रहे हैं, जो भी आप डाइटरी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जो भी आप नेचुरोपैथिक या कोई भी आयुर्वेदिक एलोपैथिक जो भी ट्रीटमेंट है, आप उसके साथ उच्चैः प्राणायाम अगर करेंगे, क्योंकि उच्चैः प्राणायाम जो है वो हमारे डायरेक्टली थायराइड ग्लैंड पे इफेक्ट डालता है। दैट इज अ ग्लैंड व्हिच हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म। हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है हमारा थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड, और जो उच्चैः प्राणायाम है वो हमारे थायराइड ग्लैंड को मैनेज कर पाता है, चैनलाइज कर पाता है। जिनका वो कम काम कर रहा होता है उसको कहता है काम कर काम कर काम कर, और जिनका ज्यादा कर रहा होता है उसको वो रोकता है, सिंपल भाषा में। तो बेसिकली बस इतना सा समझिए, जिनको अगर जो साइंस का नहीं भी है, वो हमारे शरीर की टूटन फूटन को और जोड़न को बैलेंस कर देता है, ठीक है ना। तो इसीलिए ये हमारे जो वजन कम करने के लिए भी इसको आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा प्राणायाम इसको। चलिए अब इसकी टेक्निक पे आते हैं, टेक्निक सीखें थोड़ी सी कि किस तरह से होगा। हर प्राणायाम की तरह इसमें भी आप इसमें बैठे पद्मासन में, और मैंने जितनी भी बैठने के पोस्चर से आपको थोड़ा थोड़ा बताया, और फिर वही ये भी आपको बताया, आप किसी योग्य गुरु के अंडर ही कीजिए, किसी भी योग्य गुरु जो वेल क्वालिफाइड हो, ठीक है। तो अब ये करते हैं उच्चैः प्राणायाम। उच्चैः प्राणायाम में हम क्या करते हैं, श्वास को नाक से जाता है सबको पता है, लेकिन श्वास को हमने यहां पर फील करना है, और जब हम यहां से फील करेंगे, मानो हमारे ट्रैकिया से ना होता हुआ वो हमारे ईसोफेगस से हमारी नेक कैविटी के अंदर से अंदर जाता है, जिसके कारण वहां पर एक साउंड क्रिएट होती है, और जब हम उसको बाहर निकालेंगे तब भी हम उसी कैविटी के अंदर से मानो श्वास को बाहर निकाल रहे हैं तो भी एक साउंड क्रिएट होगी। ये है उच्चैः प्राणायाम। अब आप कहेंगे ऐसा भाई कैसे होगा, क्यों नहीं होगा, जैसे हम पानी को नहीं यहाँ पे रोकते गार्गल्स के लिए, गरारे करने के लिए पानी को रोकते हैं ना। अब कोई नया बंदा तो ये भी कह सकता पानी तो जी अंदर जाएगा ही जाएगा जब हमने उसको पिया, है ना पॉइंट। am I making सेंस। जिस तरह से हम श्वास को पानी को यहाँ पर रोक लेते हैं जबकि वो पानी अंदर ही जाना चाहिए, उसी तरह से हम यहाँ की नेक कैविटी के अंदर से जब श्वास को अंदर निकालते हैं वो हल्का सा वहां पे रुकता है, जिसके कारण से वो आपस की मेम्ब्रेन्स में जब वो टकराता है एक वॉइस क्रिएट होती है, और फिर जब हम वहां से बाहर निकालते हैं तब भी सेम ही होता है। दोस्तों ये बहुत 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 इफेक्टिव प्राणायाम है, लेकिन नॉर्मली लोग नहीं करते हैं, बस दो प्राणायाम पे फोकस रहता है, दो प्रैक्टिसेस पे, प्राणायाम भी नहीं, क्योंकि सब कुंभक तो करते ही नहीं है ना, अनुलोम विलोम और एक भ्रामरी, इन दो पे ही ज्यादातर फोकस रहता है। या आजकल भस्त्रिका भी लोगों ने नाम जान लिया है, एक है ना भस्त्रिका भी थोड़ा सा पता है। तो आप इसको उच्चैः को भी अपने जीवन में अपनाएं, इसमें देखिए वही कुंभक का वही प्रोसेस रहेगा कि श्वास भरा, उसके बाद कुंभक लगाना है, मूलबंध जालंधर बंध लगेगा, उसके बाद हम श्वास निकालेंगे दूसरी तरफ दोनों तरफ से। तो देखिएगा एक बारी, ये मैंने सिंपल इनहेलेशन और एक्सहेलेशन किया, इतना भी अगर आपने कर लिया आप देखिएगा 4-5 दिन में ही आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा। इससे भी हमारा माइंड बहुत इंटरनलाइज होता है, बहुत ज्यादा दर्द लगता है, शुरू में आपको गले में खारिश सी होएगी, खांसी भी आ सकती है। जिन्होंने कभी नहीं किया, जिनको कोल्ड कफ रहता है उनको थोड़ी सी दिक्कत होगी। दिक्कत क्या, वो अंदर से सफाई कर रहा होगा इसलिए दिक्कत होगी। तो आप जो श्वास भरे निकाले अंदर गुदगुदी सी भी हो सकती है, सच्ची में होगी हल्की सी गुदगुदी सी, किसी को खांसी आएगी, किसी को बहुत तेज आएगी, घबराना नहीं भाई, छोड़ना नहीं है, हल्का सा गुनगुना पानी रखना अपने पास, उसको पी लेना, हल्का सा रेस्ट करना, डीप ब्रीदिंग करना, फिर से शुरू करना, राइट।
इस तरह से आप कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चंस ही ले लेते हैं। दो प्राणायाम आई गेस मोर देन सफिशिएंट है, अगर आप इनको अच्छे से कर लें। कभी और फिर से सेशन रखेंगे और डिटेल में बताएंगे कि साइंस क्या है और कैसे कैसे प्राणायाम्स हैं, कितनी तरह की ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं जिनसे हम अपने जीवन में फायदा उठा सकते हैं। अब आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, किसी का कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, आज के टॉपिक से रिलेटेड जितना मैंने कवर किया, आपको कोई भी डाउट है, आप यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। मैं यहीं पर हूँ, आपके सभी सवालों के जवाब पक्का देके जाऊंगी, पूरी तरह से देके जाऊंगी। अगर मुझे नहीं भी आता होगा, नेक्स्ट टाइम जरूर बताऊंगी, ठीक है? तो आप क्वेश्चंस पूछने के लिए बिल्कुल फ्री हैं। जितना आज मैंने बताया उससे रिलेटेड आज के टॉपिक पे कोई भी आपका क्वेश्चन हो, मोस्ट वेलकम। वेरी गुड अशोक जी, अगर आप इस तरह से करते हैं प्राणों पर, थैंक यू मोनिका जी, अशोक जी, अनंत सर जी, संदीप जी, थैंक यू सो मच। आई वेलकम यू ऑल आल्सो, गुड इवनिंग टू एवरीवन, थैंक्स फॉर जॉइनिंग इन द सेशन। किसी का कोई क्वेश्चन हो प्लीज पूछ लीजिए, आई एम वेटिंग फॉर द क्वेश्चंस। किसी के कोई क्वेश्चन नहीं है, है? तो फिर यहीं पे आज के सेशन को वाइंड अप करें। योग गुरु नरेश जी प्लीज आप एक बार बताएंगे, यहीं पे फिर वाइंड अप करें सेशन को, अगर क्वेश्चन जैसे नहीं है तो। जो हमारे प्राण होते हैं, प्राणायाम होते हैं, वो हमारी डायरेक्टली हाउ शुड वी ओपन द बंधा। अशोक जी का क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है अशोक जी, हाउ शुड वी ओपन द बंधा, हम बंध को ओपन कैसे करें। ओपन करने का भी सर यही रहेगा, पहले आप जालंधर, जैसे हम लगाते हुए पहले हम लगाते हैं मूल बंध, फिर लगाते हैं हम जालंधर बंध, लेकिन जब हम रिलीज करते हैं पहले जालंधर बंद खुलेगा, उसके बाद हमारा मूल बंद खुलेगा। अगेन रिपीट कर देती हूँ, जब हमें लगाना होता है तो पहले मूल बंद लगता है, श्वास भरते के साथ हम फटाफट से नीचे से मूल बंद लगाते हैं, फिर जालंधर बंद लगाते हैं, लेकिन जब श्वास निकालना होता है उस टाइम में पहले जालंधर बंद खुलेगा। नेचुरल है ना, जब तक गर्दन ऊपर नहीं करेंगे श्वास नाक में कैसे आएगा, है ना? विद लॉजिक, एवरीथिंग इज लॉजिकल। जब हम प्राणायाम या योगा अभ्यास कोई सा भी करते हैं ना, पूरा लॉजिकल है, पूरी तरह से साइंटिफिक है, इनफैक्ट बियॉन्ड साइंस है। उसके बाद हम लगाते हैं मूल पर। आई होप सर आपको आंसर मिल गया होगा, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लीज एक्सप्लेन वन मोर टाइम अबाउट बंधा ड्यूरिंग अनुलोम विलोम प्राणायाम। सबसे पहली बात बिंदु श्री जी, अनुलोम विलोम एक प्राणायाम नहीं, प्राणायाम की श्रेणी में नहीं आता। क्यों नहीं आता? वो एक सिंपल प्रैक्टिस है, क्योंकि अनुलोम विलोम में हम बंध नहीं लगाते हैं, दैट इज अ सिंपल प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ ब्रेथ। सेकेंड थिंग, इसको जो प्राणायाम की श्रेणी में ये आता है, तब उसका नाम हो जाता है नाड़ी शोधन प्राणायाम। उसको मैं बिल्कुल अभी बताती हूँ आपको, पक्का अभी बताती हूँ, चलिए बता देती हूँ मैं आपको। पहले ये बता देते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। एक बार और देख लीजिए, हम अपने लेफ्ट नॉस्ट्रल से श्वास को बाहर निकालेंगे, फिर लेफ्ट साइड से भरेंगे, बंद करेंगे और बंद लगाएंगे, पहले मूल पर फिर जालंधर पर। जितनी देर रुक सके सेम काउंट पे रुके, चाहे तो गर्दन सीधी करेंगे, जालंधर बंद हटा पहले, और राइट नॉस्ट्रल से श्वास को बाहर निकाल देंगे। जब तक श्वास बाहर लग रहा है, निकल रहा है, तब तक आप मूल बंध लगाए रखिए अगर हो सके तो, ठीक है जी? फिर यहीं से श्वास भरेंगे, बंद किया, जालंधर बंद लगाया,
ढक भी लगा दिया जिन्होंने खोला था। कैपेसिटी के अकॉर्डिंग रुके, गर्दन सीधी करें और लेफ्ट नॉस्टल से श्वास बाहर निकालें। ये सिंगल राउंड हुआ। अगर जैसे आपका हाथ वगैरह थक जाता है कभी, तो आप अपने हाथ को चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे? लाइक अभी यहाँ हाथ था, ऐसे हाथ था आपका, और हाथ थक गया, तो पहले आप अपने दूसरे हाथ को वहां पहुंचाइए, या फिर पूरा राउंड कंप्लीट करने के बाद लेफ्ट नॉस्ट्रल से जब आप श्वास बाहर निकाल दे, तब हाथ वापस लेके। ये प्रोसीजर, ये जो आपको एक मैं चीज बता रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बार बार मैं बोल रही हूँ, लेफ्ट नॉस्ट्रल से शुरू करना है और लेफ्ट पे ही खत्म करना है। अदरवाइज उसका रिजल्ट जो है ना, जो बेनिफिट है, वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा अगर आपने राइट से कर दिया। ठीक है, इसलिए इस चीज का ध्यान रखिएगा कि ये लेफ्ट नॉस्ट्रल से ही होगा। उज्जयी का मतलब होता है विजय प्राप्त करना, कराने वाला, विक्ट्री प्राणायाम। ठीक है सर, उज्जयी प्राणायाम फिर रिपीट। हाँ बिल्कुल बताते। फर्स्ट योगाभ्यास और प्राणाभ्यास। प्राणायाम योगाभ्यास के अंतर्गत ही आता है। ये पांचवी स्टेज है। पहला है यम, दूसरा है नियम, तीसरा है आसन, फिर आता है हमारा प्राणायाम। तो प्राणायाम, अब योगाभ्यास जिसको आप आसन कहते हैं, उसके बाद ही आता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन हमारे शास्त्रों में फिर भी ऐसा व्याख्यान है, और मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में अपने पेशेंट्स, थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स के साथ ये मेरा एक्सपेरिमेंट है, कि प्राणायाम अगर कोई इंसान सही से लंबे समय तक करता रहे, तो एक टाइम को उसको आसन वगैरह के अभ्यास की आवश्यकता नहीं रहती। राइट मैम, राइट सर, रमन जी, बिल्कुल निसंदेह आसन के बाद प्राणायाम आता है, अगर हम सीक्वेंस में देखें तो। और करना भी चाहिए, क्योंकि आप जब पद्मासन में बैठ नहीं पाएंगे तो प्राणायाम कैसे करेंगे, राइट? तो इसलिए प्राणायाम आपको आसन करने ही है। प्राणों पर विजय, इस मीनिंग ऑफ उज्जयी प्राणायाम। चलो, मूल बंध मैंने जैसे बताया, अगर आपने ध्यान दिया हो, हम अपनी थाई मसल्स, रेक्टम मसल्स, बटक मसल्स को, एनल मसल्स को अंदर अपनी इंटरनल फोर्स लगाते हुए स्क्वीज करेंगे, ऑटोमेटिकली लग जाएगा। ये पूरा टिपिकली मैं ट्रेडिशनल मूल बंध नहीं बता रही हूँ, उसको लगाना मुश्किल हो जाएगा, आप लोगों को बहुत सारी प्रिपरेशंस करनी होगी। मॉडिफाइड है, लेकिन आपका मूल बंध इससे भी लगेगा, राइट? मुझे क्या क्या बेनिफिट हुआ? ये योग गुरु कमाल जी का है सर, पब्लिकली बताना शायद सही नहीं रहेगा, उसमें से एक बता सकते हैं। आज आप अपनी एज को कंट्रोल कर सकते हैं, एक बहुत बेसिक सा बता रही हूँ, बहुत कि आपकी एज कंट्रोल हो जाती है। आपकी एज पे जो इफेक्ट्स आते हैं, ये शास्त्रों में भी लिखे हुए हैं, ओल्ड एज वगैरह जो इफेक्ट्स होते हैं, वो बहुत हद तक आप उनको कंट्रोल करके रख सकते हैं। आपकी खुद की लाइफ आपके कंट्रोल में आ जाती है। जब मैं एक टीन एज में थी, मेरे घर में भी सब कहते हैं मुझे गुस्सा बहुत आता था, वो भी कंट्रोल है। अभी भी करती हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन अपने कंट्रोल में है कि कब करना है कब नहीं करती। और क्या बताऊँ, मेरे हेल्थ बेनिफिट्स इतने ज्यादा हुए हैं, कॉन्स्टिपेशन थी, बहुत 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 कुछ था सर। तो अभी शायद ये प्लेटफॉर्म ठीक नहीं रहेगा सारी चीजें बोलने के लिए, लेकिन यकीन मानिए बहुत फायदा होता है। जो लोग खूबसूरत दिखना चाहते हैं, अपनी एज को कंट्रोल करना चाहते हैं, एक 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 लाइन में इसलिए बोल रही हूँ, वो प्राणायाम कीजिए, ठीक है ना? जोर लगा के कीजिए बस प्राणायाम, मजा आ जाएगा, जिंदगी बदल जाएगी। सर अभी इतना टाइम नहीं है अब कि मैं सारे प्राणायाम बता सकूं, क्योंकि क्वेश्चन आंसर मुझे लगता है लेना बहुत जरूरी है अगर आप कोई भी सेशन दे, क्योंकि कोई भी अगर क्वेश्चंस के साथ आगे जाएगा ना, वो पूरे 1 घंटे का सेशन बिल्कुल व्यर्थ मुझे लगता है। तो इसलिए मेरी पर्सनल कोशिश रहती है कि मैं क्वेश्चन आंसर जरूर लूँ। सॉरी सर, कभी फिर जरूर लेंगे क्वेश्चंस, आपका ये क्वेश्चन जरूर लूंगी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अनुलोम, अभी बता के चुकी हूँ, अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन में क्या फर्क है?
प्लीज एक बार आप फिर से रिपीट करिएगा। अश्विनी मुद्रा का अभी सेशन नहीं है सर, मैंने आप पहले ही बोला था योग गुरु कमल जी, आज के टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन सिर्फ जो मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है सर? किसी दिन मुद्रा का जरूर रखेंगे पक्का। प्लीज रिपीट द मेथड ऑफ, ओह सॉरी मैम, अभी करती हूँ अभी करती हूँ। यस बिल्कुल, एंगर मैनेज होता है थ्रू प्राणायाम। आज मैंने इस चीज को एक्सप्लेन थोड़ा सा कम किया है, किसी और सेशन में जरूर इस चीज को एक्सप्लेन करूंगी, हाउ इट हैपेंस, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ कंट्रोलिंग मैनेजिंग अवर एंगर थ्रू प्राणायाम। ये एक पूरा इंडिविजुअल सेशन बन जाएगा सर, मैम सॉरी मैम थे सर थे सर, हाँ। थैंक यू सो मच योग गुरु नरेश जी। हाँ मैं एक बार टेक्निक बता देती हूँ फिर हम वाइंड अप करेंगे उच्चैः प्राणायाम के। उच्चैः प्राणायाम में देखिए, जब हम सांस को श्वास में भरते हैं, आपने उसको अपनी नेक एरिया में फील करना है, अंदर ये देखिए मेरे मसल्स देख रहे हैं, उसको जब आप फील करते हुए लेके जाएंगे, श्वास जो है वहां पर आपका टकराएगा, जिसके कारण एक वॉइस क्रिएट होगी, ठीक है? और जब आप श्वास को बाहर निकालेंगे तब भी वॉइस क्रिएट होगी, ये एक दिन में नहीं होगा। इसके लिए मैं आपको मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट ही है, आप जैसे नरेश जी के अगर वहां पर हैं तो आप सर से सीखिएगा, सामने सीखेंगे ना वो आपको टेक्निक पूरी बता पाएंगे, नहीं तो एक छोटी सी टेक्निक मैं आपको अभी बता देती हूँ। उसमें क्या करते हैं, मुंह खोलिए, आप मुंह के जरिए सांस पीजिए फिर मुंह के जरिए ही निकालिए। मैंने भी इसी तरह से इसकी प्रैक्टिस की थी, वैसे नहीं हो पाता था मेरा भी, मैं अपना पर्सनल शेयर अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। देखिए इस तरह से, फिर आप मुंह बंद करके कीजिए, इतना कीजिए। अभी मैंने इसमें कुंभक नहीं लगाया है इसलिए जस्ट प्रैक्टिस बन के रह गई है, लेकिन यकीन मानिए इसका भी बहुत ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि हमारे थायराइड ग्लैंड पे डायरेक्ट इफेक्ट देता है, जिसके कारण हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म जो है वो कंट्रोल में आता है। तो फिनिश करते हैं आज का सेशन, राइट? फिर रखेंगे सेशन। आई होप सबके मैंने क्वेश्चंस के आंसर दे दिए हैं। हमें प्रेस नहीं करना है थ्रोट को, वो अपने आप जो हमारे श्वास है वो एक प्रेशर क्रिएट करेंगे सर। अशोक जी श्वास अपने आप एक प्रेशर क्रिएट करेंगे, हमें अलग से कुछ नहीं करना कि गर्दन को आगे झुकाना है, पहले से कुछ नहीं करना, श्वास अपने आप सब कुछ करेंगे अंदर। बस हमने अपना फोकस अपनी कॉन्शियस को, कॉन्शियस ब्रीदिंग इज प्राणायाम, आप एक सिंपलेस्ट डेफिनेशन मेरी तरफ से ले लीजिए, कॉन्शियस ब्रीदिंग कॉन्शियस प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग दैट इज इनहेलेशन रिटेंशन एंड एक्सहेलेशन इज कॉल्ड प्राणायाम अकॉर्डिंग टू अनु, ठीक है ना? सिंपल डेफिनेशन, आप जो कॉन्शियसली श्वास प्रश्वास करते हैं उन्हें कुंभक की तरह रोकते हैं वही प्राणायाम है, राइट जी? तो एक प्रेयर के साथ सेशन को वाइंड अप करेंगे, फिर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। अभी एक प्रेयर करेंगे, शांति पाठ करेंगे पूरे विश्व की हेल्थ के लिए, हैप्पीनेस के लिए और हार्मनी के लिए। तो आप सभी मेरे साथ इसलिए जरूर कीजिएगा, क्योंकि कलेक्टिव प्रेयर्स की बात ही अलग होती है, एनर्जी बढ़ जाती है ना उसमें। तो आप प्लीज सभी जो ना भी कर पाए आंखें बंद करके मेरे साथ जरूर जुड़िएगा, हम सबकी सुख शांति स्वास्थ्य की कामना करेंगे, राइट? चल ओम के जाप के लिए श्वास भरिएगा, एक ओम का जाप करेंगे। सर्वे भद्राणि
आपस में मिलाएं, रगड़ें, कप की तरह बनाते हुए अपनी आंखों पर ढकें, यहीं पे पलकें खोल बंद कर लें। इसी के साथ मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन जरूर देना चाहूंगी कि आपका विश्वास और बढ़े। जितना भी मैंने आज का सेशन लिया है पिछले अपने 15 साल के एक्सपीरियंस के साथ लिया है, डिफरेंट हॉस्पिटल्स में मैंने पूरे 11 साल काम किया है, 4 साल मैंने राष्ट्रपति जी के साथ किया, हमारे द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया के साथ काम किया, उनके परिवार को, उनके बॉडीगार्ड्स, उनके वहां पे रेजिडेंट्स, ब्यूरोक्रेट्स, पूरे राष्ट्रपति भवन के लोगों को योग कराया है, तीन इंटरनेशनल योगा डे पे भी वहां पर लीड किया है, डिफरेंट न्यूज चैनल्स में मैं आई हूँ। तो अपने थेरेपी के 11 साल के एक्सपीरियंस के साथ मैंने आज आपको जितनी भी गाइडलाइंस दी हैं उसके अकॉर्डिंग दी हैं। आई एम क्वालिफाइड योगा टीचर, नेट क्वालिफाइड, डूइंग माय पीएचडी इन योगा एज वेल। तो आप मेरे पे विश्वास रख सकते हैं, पूरी तरह से विश्वास के साथ कीजिएगा। जितना भी बताया आप सभी को बहुत फायदा होगा। मेरी तरफ से आप सभी को बहुत शुभकामनाएं शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं पर्सनली योग गुरु नरेश जी को अपनी तरफ से भी थैंक्स कहती हूँ और आप सबकी तरफ से भी कि उनके जरिए आज आप सभी को प्राणायाम के पीछे छुपी साइंस और आर्ट दोनों और स्पिरिचुअल जो उसका रीजन है, बेनिफिट्स है, आपको जानने का मौका मिला। थैंक यू सो मच सर फॉर इन्वाइटिंग मी ऑन योर चैनल एज वेल एज आई थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप स्माइलिंग एंड कीप लिविंग योर लाइफ टू इट्स फुलेस्ट विदाउट एनी रीजन। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप स्माइलिंग, फिर मिलेंगे, बाय।